हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक वंस अगेन यू आर लिसनिंग रेडियो रोजाना दिल से दिल तक और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो जॉकी टॉकी और हमारे साथ हर दिन कोई ना कोई मेहमान जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं और आज का थीम बड़ा ही खास है, ये नंबर वन नारी है तो आज का ये थीम है और आज हम महिला सशक्तिकरण के बारे में ज्यादा बात करेंगे। और जैसे ही रोज कोई ना कोई हर रोज कभी कोई ना कोई मुद्दा उठता रहता है महिला सशक्तिकरण के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा डीप जानेंगे, महिलाओं के लिए बातें करेंगे। तो इसी के बीच हमारे साथ आज एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैम रश्मि सहरावत जी। नमस्कार। बिल्कुल। और मैम कैसा लग रहा है सबसे पहले तो हमारे शो में आके? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। जी मैम। और मैम सबसे पहले आपका इंट्रो जानेंगे, हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी जी। मैं रश्मि सहरावत, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष पलवल से और प्रेजेंट मैं महिला कोषाध्यक्ष। जी मैम बहुत खूब। और जैसे कि आज हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपके मायने से आप महिला सशक्तिकरण को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण के कई मायने से हम देख सकते हैं, चाहे वो घर चलाने वाली महिला हो चाहे वो नौकरी पेशे वाली महिला हो, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ ये है कि महिला को सशक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो फाइनेंशली सशक्त हो चाहे वो अपने घर के कामों में सशक्त हो। तो ये सभी, अगर घर के काम में भी महिला सशक्त है तो वो भी आत्मनिर्भर है, सशक्तिकरण है, क्योंकि उसे भी सारे अपने घर के काम काज अपने परिवार को पालने पोषने के लिए जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, एक बेसिक नीड जो होनी चाहिए, वो सभी आत्मनिर्भरता के दायरे में आती है। और सबसे पहले कि अपने परिवार के साथ साथ अगर वो जॉब भी करती है तो वो बहुत बड़ी बात है कि महिला दोनों तरफ अपने परिवार को भी संभाल रही है और जॉब भी कर रही है, तो ये आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है महिलाओं की। जी 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 मैम। हाँ, मैंने आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि महिला में एक हिम्मत होती है, एक ताकत होती है कि अपना घर भी चलाना और फिर अपना एजुकेशन भी देखना और अपना जॉब भी कर कर आना। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हर एक महिला को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे आगे बढ़ना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए और एक एक मुकाम हासिल करना चाहिए। वेल, तो हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण के बारे में, अब एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि आप टीचर रही हैं, ये भी हमने सुना, तो जैसे एक महिला होती है, एक बच्चे की केयर टेकर एक महिला ही होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को ध्यान देना, उसको अच्छी एजुकेशन देना। स्कूल में तो बच्चा पढ़कर आ ही रहा है, वहां से एजुकेशन लेकर आ रहा है, लेकिन वहां से घर पर जब आता है तो बहुत सारा होमवर्क लेकर आता है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे को भी थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है और उनके पेरेंट्स को भी ट्रबल हो जाता है कि होमवर्क कर कर कैसे भेजे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि महिलाओं को आप उनको कुछ बताइए कि अपने बच्चों को वो कैसे शिक्षा करें जो अपने अच्छे से वो नंबर ला सकें, मार्क्स ला सकें और अचीवमेंट पा सकें। बिल्कुल, स्कूल के साथ साथ हमें घर पे भी बच्चों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आजकल जिस तरीके से फ़ोन की दुनिया में बच्चे खोए रहते हैं, तो जितना ज़्यादा पेरेंट्स बच्चों से जुड़ाव रखेंगे, उनसे बातें करेंगे, पूरे दिन का शेड्यूल उनसे पूछेंगे कि सुबह आप स्कूल में गए, सबसे पहले आपने वहाँ पे जाके क्या किया, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया, कौन सी मैम आपको पसंद है, किस बच्चे से क्या बातें करी हैं आपने, तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे से पूरे दिन का शेड्यूल पूछेंगे तो बच्चे के मन में भी एक जिज्ञासा रहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछें, बात करें। लेकिन आजकल बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी हैं कि फ़ोन को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि जितना हम बच्चों के साथ जुड़ाव अधिक रखेंगे तो बच्चे इतना ही हमारी तरफ, एक दोस्ती की तरह बच्चों के साथ अगर हम जुड़ाव रखेंगे तो अपने जीवन के जो भी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और एक अच्छा और बुरा जो चीज़ें हैं उसको समझने में बच्चे को माता पिता से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। तो ये चीज़ें हैं, बच्चों को सिर्फ ट्यूशन और फ़ोन के ऊपर ही ना छोड़कर उनको एक व्यक्तिगत तरीके से अपने पास बिठाकर उनसे एक लगाव क्रिएट करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। जी मैम, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। एक महिला ही होती है, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन पिता भी अपने बच्चों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन पिता और बच्चे के दायरे में थोड़ा सा ये होता है कि एक दूसरे से कह नहीं पाते वो चीज़ें, लेकिन बच्चा सारी चीज़ें अपनी माँ से ही शेयर करता है और उसी को ही आसान समझता है माँ को बताने में कि ये तो डांटेंगी नहीं कम से कम। तो मैं अपने पेरेंट्स, मतलब सब पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा गुस्से में ट्रीट ना करें, कि बच्चे अपने अंदर की बातें भी, जो कहना चाहते हैं, कुछ भी बात हो, अपने पेरेंट्स को खुलकर बता सकें, डरे ना,
तो मेरा ये सबसे पहले है। और इसी के साथ साथ अब महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए महिला हर फील्ड में मुकाम हासिल कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। मैम आप एग्जांपल हो पॉलिटिक्स के, तो क्या कहते हैं अब, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे अभी मुकाम रह रहे हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये कहना अभी मुश्किल होगा कि कौन सा क्षेत्र ऐसा रह रहा है जहाँ पर, मैं तो ये मानता हूं, जहाँ पर महिलाएं नहीं हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो गांव हो, घर हो, हर जगह महिला अपने हुनर का परचम लहरा रही है। तो इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और महिलाओं के लिए जितना हरियाणा सरकार ने, हमारी मोदी सरकार ने जितना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को योजना लाने के लिए, उनको आगे करने के लिए जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय काम है। जी मैम बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि महिला अगर वो रोजगार होना चाहती है, वो रोजगार चाहती है, तो उस महिला को क्या करना चाहिए? ऐसी कोई योजना चल रही हो या कुछ ऐसी मुहिम चल रही हो जिसके तहत वो रोजगार पा सके? बिल्कुल, छोटे जो लघु उद्योग हैं उसको बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है और काफ़ी काम भी करे हैं। काफ़ी महिलाओं को छोटे जो लघु उद्योग हैं, मतलब MSMEs वगैरह जो रहते हैं, इनमें इतनी सारे मतलब प्रोजेक्ट भी बने हुए सरकार दे रही है कि आप देखिए इनको समय समय पर एक तरीके से उनको सिखाने के लिए कैंप भी लगते हैं। तो महिलाओं को, महिला हो या पुरुष हो, सभी को आगे लाने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। तो महिलाओं को एक आत्मनिर्भर होना, मतलब अगर महिला घर कमाएगी तो एक पति भी कमाएगा और एक औरत भी कमाएगी। जब दोनों हस्बैंड वाइफ कमाएंगे तो उस घर के हालात कुछ अलग ही दिखते हैं। तो ये है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में सक्षम बनना चाहिए, अपने हुनर को दर्शाना चाहिए। और कुछ जगहें ऐसी हैं कि आज भी हुनर छुपा हुआ है, लेकिन ये समय है कि महिलाओं को उस हुनर को निकालने का समय है। वो छुपाए नहीं, वो कुछ भी कर सकती हैं। छोटे गांव में मतलब इतना हुनर है कि गांव की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनकी तो शहरों में भी इतनी डिमांड है। डेयरी प्रोडक्ट लगा लीजिए आप, हाथ के बने हुए कितनी चीज़ें ऐसी हैं, सिलाई से बनी हुई मतलब बेडशीट वगैरह, महिला कुशन कवर वगैरह इतना अच्छा अच्छा बनाती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। मैं तो खासकर ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए कह रही हूँ कि सरकार आपका वंदन अभिनंदन कर रही है कि आप आइए और अपने हुनर को एक नई पहचान दीजिए, तो इस चीज़ का जरूर वो लाभ उठाएं। जी मैम बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगा कि मैम की बात को अपने ध्यान से सुना होगा, जागरूकता इसी में ही है। और क्या कहते हैं, अगर आपको रोजगार चाहिए और रोजगार के प्रति आप जागरूक हैं तो ये मैम की बात आपके ज़रूर काम आएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मैम हमने सुना कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा है। तो अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उनमें आपका खड़ा होने का कोई इरादा है उन चुनावों को लड़ने का? जी, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का लगातार काम करती आ रही हूँ, उनकी योजनाओं को महिलाओं तक, हर क्षेत्र तक, पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, सभी तक मैंने लगातार पहुँचाने का काम किया है। तो अगर BJP सरकार एक ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी ये भाई भतीजावाद और वंशवाद से बहुत ऊपर उठकर सोचती है, कार्यकर्ता की मेहनत के दम पर ही उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है। और इसमें एक छोटे से बूथ पर कार्य करने वाला भी, छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रदेश का CM और देश का PM बन सकता है। तो अगर मेरे काम के बदौलत, तो मेरे काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देती है, तो मैं जरूर महिलाओं को आगे बढ़ाने में पूरा उनका सहयोग करूंगी और महिलाओं के जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उनको दूर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। और देखिए पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं चले जाते हैं, वो काम करने के वादे भी करते हैं और जैसे मैं बात करूं कि पॉलिटिकल लीडर टिकते भी हैं, आगे तक चलते हैं, वो क्यों टिकते हैं? उनके काम की वजह से, जो उन्होंने काम करा है। तो अब आने वाले चुनावों में आप खड़े होते हैं और आप बन जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है आप बन जाते हैं। तो आप बनने के बाद ऐसे क्या क्या काम करेंगे जो हमारे यूथ के लिए, यूथ के डेवलपमेंट में काफ़ी कारगर हो और हमारे महिलाओं के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो और चाहे वो हमारे पूरे सोसाइटी के बारे में हो, आप ऐसे क्या क्या कार्य करने वाले? सबसे पहले एजुकेशन को बढ़ाने का मैं कार्य करूँगी। महिलाएँ हैं, जो बेटियाँ हैं हमारी, जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा है तब से ही बेटियों को आगे
खासकर हरियाणा जैसे हमारे प्रदेश में जहां बेटियों को एक समय पे बोझ समझा जाता था, पैदा होने से पहले ही उनको मारने की प्लानिंग होना शुरू हो जाती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई बंदिशें हो। माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े, आगे बढ़े, तो मैं एजुकेशन, जो हाई एजुकेशन है, मैं उस पर वर्क करूंगी जिससे मेरी हतीन क्षेत्र की जो बेटियां हैं उनको बाहर ना जाना पड़े और उच्च शिक्षा उनको उनके शहर उनके क्षेत्र में ही मिल सके। और एक स्वच्छता के ऊपर मुझे बहुत देखने को मिलता है कि आज भी भले ही हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में स्वच्छता का अभाव है। तो ये हमें अपने अंदर से ही इस चीज़ को मजबूत करना होगा कि हर जगह हमारे लीडर नहीं पहुंच सकते, हर जगह प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, आपको दूसरों को भी प्रेरित करना है कि ये चीज़ें जिस तरीके से हम घर को साफ रखते हैं हमें बाहर भी सफाई पे जोर देना है। तो सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने का मेरा सबसे ज़्यादा काम रहेगा। और चिकित्सा है, जितने भी हमारे हतीन क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स आते हैं, पीएससी सीएससी हैं और शहर में जो हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें सभी सारी सुविधाएं हों जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता को बाहर ना जाना पड़े, उन्हें सारी फैसिलिटी वहीं पे प्रोवाइड हों। तो इन चीज़ों पर मेरा खास फोकस रहेगा। जी मैम, और बिल्कुल मैम, लेकिन एक और बात मैं यहाँ पर करूँगा कि हमारा अभी जो यूथ है, मैं समाज की ही बात क्यों ना करूँ, ग्रामीण एरिया के लोग हैं, थोड़ा सा अभी जागरूकता से इस चीज में थोड़ा पीछे हैं पानी के ऊपर। आपने देखा होगा गाँव में कि पानी बह रहा है, घर में समर लग सबके लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, बड़े बड़े बोर सबके हो रहे हैं गाँव में, लेकिन एक और चीज है जहाँ से वो पीछे रह जाते हैं कि थोड़ा सा पानी चला दिया तो उसको भूल जाते हैं कि पानी चल रहा है और वो बहता रहता है पानी नालियों के अंदर। तो इसके प्रति आप युद्ध को क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या कहना चाहेंगे उनके जागरूकता के लिए? बिल्कुल, हमने बचपन में भी ये बातें पढ़ी हैं कि जल है तो कल है। जी, तो जल को ये नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ प्रॉपर्टी देके जाएंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपना नेचर भी देके जाएंगे, रिसोर्सेज भी देके जाएंगे। पानी अगर हम बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये चीजें बचेंगी। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखते हैं गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है और लोगों को जागरूक करती रहती है, एनजीओस वगैरह भी इस चीज़ को लिए जागरूक करते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में एक है कि लोगों को खुद ये सोचना होगा कि पानी जितना हम बचाएंगे तो ये हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए होगा ये। बिल्कुल मैम, आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि जल है तो कल है। और वेल, बिल्कुल अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके, आज बहुत बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हम रेडियो में, रेडियो से बात कर रहे हैं हम, तो रेडियो की पता है खास बात क्या होती है, रेडियो में गाने चलते हैं, सब यहाँ पर कॉल करते हैं, 7056372030 ये नंबर है, इस पर सब कॉल करते हैं, जो उनका मन पसंदीदा गाना है वो यहाँ पर चलवाते हैं। तो आप हमारे मेहमान हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा आपके पसंद का कोई गाना हो जो हम यहाँ पर सेट पर चलाएं। नहीं, जो देश हित के लिए जो गाना हो और जिसको सुनकर हमारे युवाओं में एक अलग, एक नई सोच डेवलप हो, ऐसा गाना आप मेरी तरफ से उनको डेडिकेट कर। बिल्कुल मैम, तो अगला गाना आपके फरमाइश पे चलेगा। बिल्कुल, तो मैम बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे सेट पर आए और अपना टाइम दिया और बातें करी हमसे ढेर सारी महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो चलिए मैं अब आप सभी से विदा लेता हूँ, एक बार फिर लौट कर आएंगे एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नए मेहमान के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।